सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे बिगेस्ट मिथ्स के बारे में जिनसे लोगों का बहुत ज्यादा फुद्दू घाटा जा रहा है, तो यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम इट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिथ। और ये पिंपल से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं कि भाई मेरे पिंपल हो रहा है, कोई अच्छा फेस वॉश सजेस्ट कर दो। और अगर आप भी ऐसे करते हो तो माई फ्रेंड यू आर रॉन्ग। आपको ये चीज समझनी होगी कि फेस वॉश कोई पिंपल रिमूव करने की क्रीम नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब क्या होता है कि फेस वॉश हमारे किस चीज के लिए यूज होता है? वो हमारे फेस से डर्ट रिमूव करने के लिए यूज होता है, फेस से ऑयल रिमूव करने के लिए होता है, वो हमारे स्किन को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए यूज होता है, ना कि वो पिंपल रिमूव करने के लिए यूज होता है। अगर आप भी ये मिथ फॉलो करते हो कि भाई मेरे पिंपल हो गया, फेस वॉश लेता हूँ कोई नया, तो आप गलत हो माय फ्रेंड। वो चीज अलग है कि पोर्स ब्लॉक हो गए जिसकी वजह से सीबम बाहर नहीं आ पा रहा है, बंप आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पिंपल हटाने के लिए फेस वॉश अगर आप यूज करते हो तो बात कर लेते हैं सेकंड और सबसे बड़े मिथ के बारे में कि वो अभी भी तुमसे प्यार करती है। स्क्रिप्टिंग में मिस्टेक हो गई शायद। देन बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ के बारे में कि ऑयली फूड खाने से, जंक फूड ज्यादा खाने से हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। तो क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ऑयली फूड, जंक फूड आपकी स्किन को कभी भी बहुत ज्यादा ऑयली नहीं बनाता। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इससे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी। अब स्किन ऑयली हमारी नेचुरली होती है। हमारी जो स्किन होती है वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं सीबम। वो काफी ज्यादा ऑयली होता है और वही ऑयल हमारे फेस पर आता है। तो ये चीज को समझे जरा, ऑयली फूड खाने का और ऑयल प्रोडक्शन होने का स्किन से कोई मतलब नहीं है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ के बारे में, और ये बहुत तगड़ा मिथ है और ये लोग मानते भी चले आ रहे। और ये गलती कभी कभार सिर्फ हम नहीं, हमारे पेरेंट्स भी कर देगी क्या? नेचुरल मींस नेचुरल। जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार आजकल नेचुरल चीजें नहीं मिलती। बेटा तुम्हारे जमाने में, हमारे जमाने में होती थी। फिर मार्ट में जाके नेचुरल चीजें ढूंढ, हेयर प्रोडक्ट मिल गया नेचुरल, ये स्किन प्रोडक्ट मिल गया नेचुरल, इस पे लिखा है नेचुरल, खरीद लिया, क्या वो नेचुरल हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे ब्रांड्स नेचुरल तो लिखते हैं बट उनके प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो मेंशन नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स पर। तो इसमें आपको अवेयर होना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। भाई ये चीजें होती है, नेचुरल लिखने से कुछ नेचुरल नहीं हो जाता। सेम वैसे जैसे गर्लफ्रेंड से किए हुए वादे हमेशा सच नहीं हो जाते। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ के बारे में, और ये जिम में तो बड़ा ही फेमस है। क्या कि पुलअप्स करने से हाइट बड़ी होती है, कद्दू बड़ी होती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब भी हम पुलअप्स करते हैं तो सारा टेंशन हमारे लैट्स पर आता है। इससे हाइट का क्या लेना देना, खुद सोच कर देखे। आप लंबे होने के बजाय चौड़े हो सकते हैं बट लंबे नहीं हो सकते। और जो बोले ऐसा उससे बोले कि भाई करके दिखा दो जरा। देखिए बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि चलो हम जिम जा रहे हैं तो हमारी हाइट बढ़ जाती है। मेरी भी जिम जाने के बाद हाइट बढ़ी थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में लैक हो रहा था। कहीं ना कहीं हमारी टीनेज में बॉडी एकदम से ग्रो होती है, उसके स्लो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे थे, जिम जाने के बाद फास्ट मिलने लगे। तो समझते हैं पुलअप से हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाइट हमारी ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक्स पर डिपेंड होती है, फिर थोड़ा बहुत जो हमारी डाइट वगैरह होती है, बट पुलअप से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पुलअप का सारा टेंशन हमारे लैट्स पर आता है। लैट्स चौड़े हो सकते हो बट लंबे नहीं। बस गाइस, इतना था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।